सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। डायरेक्ट सेकंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल की जानकारी देखने के बाद में आज का समय है फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन 2020 शेड्यूल रिलीज हुआ है उसकी जानकारी देखने का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको आज से करने हैं बिकॉज 8 दिसंबर 2020 से शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आपको फाइनल ऑप्शन फॉर्म कब भरना है, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, बी फार्मसी फर्स्ट ईयर के लिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद में क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। उसके साथ ही में आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आकर यहाँ से बैचलर ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन फॉर्म प्रोसीजर की जानकारी देख लेनी है बिकॉज यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताया गया है बी फार्मेसी एडमिशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, बी फार्म कोर्स ड्यूरेशंस कितना होता है उसके बारे में, ऑनलाइन बी फार्मेसी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर 2020 के लिए कैसे रहेगी, फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी ऑनलाइन फॉर्म डेट्स क्या रहेगी, बी फार्मा का फॉर्म कब निकलेगा, बी फार्मेसी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस आपको कितनी पेड करनी है, बी फार्मेसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020-21 रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करने हैं, फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशंस कन्फर्मेशन आपको इंस्टीट्यूशंस में कब करना है, बाकी अदर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने के बारे में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। एडमिशंस का जो क्वालिफिकेशन है बी फार्मेसी के लिए वह पीसीबी और पीसीएम मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपको दिए जाएंगे। बैचलर ऑफ फार्मेसी आपको एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में सफल होना होगा। बाकी जो भी ड्यूरेशंस है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 4 ईयर्स का ड्यूरेशन, ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री लेवल का कोर्स है और आफ्टर 12वीं आपके लिए बी फार्मेसी कोर्स की एलिजिबिलिटी डी फार्म के बाद दी गई है। बी फार्मेसी यह 4 साल का कोर्स आपको एडमिशंस के बाद में पूरा कंप्लीट करना होता है। अब जो ऑनलाइन बी फार्मेसी की एप्लीकेशन की फॉर्म की प्रोसीजर है वह हम आपको आगे बता दें, इससे पहले आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी दे दें। cetcell.mahaceet.org ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको बी फार्मेसी फार्म डे के लिंक पर यह ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा और यहाँ से शेड्यूल नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी शॉर्ट में जानकारी 2 मिनट में हम देखें, उससे पहले आप शेड्यूल देख लीजिएगा। आपका जो शेड्यूल है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। उससे पहले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो भी है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग ETC के द्वारा ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पेमेंट बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी 800 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये, जो कि OBC, NT, VJDT, SBC, EWS जो भी ETC स्टूडेंट्स है, SC, ST वह सारे 600 रुपए एप्लीकेशन शुल्क भरेंगे और जो फॉरेन कैंडिडेट्स रहेंगे NRI, OCI, PIO, FN कैंडिडेट्स 5,000 रुपए का ऑनलाइन शुल्क उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशंस फॉर्म के सबमिशंस होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर कोर्स के लिए 9 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन बी फार्मेसी एप्लीकेशन फॉर्म 2020 रहेगा 9 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक। आपको यह इस रूटीन ही करना है, फिजिकल मोड में नहीं करना है, इस रूटीन से जल्दी काम होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने डैशबोर्ड को देखते रहिए और इस रूटीनी सेंटर्स पर संपर्क कर सकते हैं, इसकी लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज के लिए रिलीज की जाएगी 17 दिसंबर 2020 को। सबमिशन करना होगा ग्रीवेंस का, अगर कोई गलतियाँ है तो 18 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 तक यह करेक्शन कर लेना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद में बारी आती है फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी फाइनल मेरिट लिस्ट 2020 को रिलीज करने की। 21 दिसंबर 2020 को यह रिलीज किया जाएगा। साथ ही में प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स कैप्राउंड फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर कोर्स 2020
21/12/2020 को ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद कैप राउंड फर्स्ट में आपको भी फार्मेसी का ऑनलाइन सबमिशन ऑप्शन फॉर्म का करना होगा और कंफर्मेशन ऑप्शन फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी का 22 दिसंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक आपको अपने कॉलेजेस का चुनाव करना होगा और सीट मिली है या नहीं आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट भी फार्मेसी फर्स्ट ईयर कोर्स का पता चलेगा 27 दिसंबर 2020 को। यदि सीट मिल गई है तो आपको सीट ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करना है 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक और आपको फीस पेमेंट करना होगा सीट एक्सेप्टेंस का 1000 रुपीज़। यदि आपको बेटरमेंट चाहिए तो नोट फ्रीज करें, यदि आपको बेटरमेंट नहीं चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हैं। आपने अगर फ्रीज कर दिया है तो आपको रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मेशन और एडमिशन कन्फर्मेशन करना होगा, एडमिशन्स की पेमेंट करने होंगे। यदि आप रिजर्व कैटेगरी है तो जो भी एलिजिबल कोर्सेज की जो भी फीस रहेगी आपको वह पेमेंट करना होगा रिजर्व कैटेगरी के अनुसार। कैप राउंड सेकंड का जो प्रोविजनल वैकेंट सीट्स का भी फार्मेसी के वैकेंट सीट्स का जानकारी का डिस्प्ले होगी वह 31 दिसंबर 2020 तक होगी। बी फार्मेसी कोर्सेज के लिए ऑप्शन फॉर्म सबमिशन और कन्फर्मेशन होगा सेकंड राउंड के लिए 1 जनवरी 2021 से 3 जनवरी 2021 तक। प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड सेकंड के लिए भी फार्मेसी का 5 जनवरी 2021 को रिलीज की जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के बेटरमेंट के लिए नहीं जाना है बिकॉज ये लास्ट राउंड रहेगा। आपको 6 जनवरी से 8 जनवरी 2021 तक आपकी सीट को एक्सेप्ट कर लेना और ऑनलाइन पेमेंट कर देना है और आपको जिस इंस्टीट्यूशंस में सीट मिल चुकी है 6 जनवरी 21 से 8 जनवरी 21 तक आपको यह कन्फर्मेशन कर लेना है। वैकेंसी जो भी बचती है इंस्टीट्यूट लेवल पर भरी जाएंगी 9 जनवरी 21 से 13 जनवरी 2021 तक। यहाँ पर जिन्हें भी सीट मिलती है उन्हें इंस्टीट्यूट लेवल पर ही सीट मिलेगी और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी स्कॉलरशिप दे नहीं होगी। कमेंसमेंट होगी सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ के सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए 4 जनवरी 2021। कट ऑफ डेट रहेंगे सभी प्रकार के एडमिशन्स के एकेडमिक ईयर 2021 के 14 जनवरी 2021। इंस्टीट्यूशंस ध्यान रखें आपको सभी स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड करना होगा ऑनलाइन वेबसाइट पर 15 जनवरी 2021 से पूर्व। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख ले सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नॉन क्रिमिलियर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में है। आपको 31 मार्च 2021 से पूर्व अपना नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपके सभी इन्फॉर्मेशन जनरल नोट्स आपको यहाँ से देख लेने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद में आप यहाँ पर hindimeinpade.com पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कब निकलेगा फॉर्म क्या निकलेगा पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है भी फार्मेसी के लिए कैप राउंड फर्स्ट के लिए कैप राउंड सेकंड के लिए यहाँ पर दिया गया है। एफसी जो है आपको नियरेस्ट एफसी पर आप जाने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रूटिनी का ऑप्शन है, इसके लिए आप घर से ही ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन कन्फर्मेशन भी आपको दिए गए प्रोसेस के अनुसार करना है। जैसे भी आपको फैसिलिटेशन सेंटर से ऑनलाइन स्क्रूटिनी होती है आपको एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है आपको साइन और सील के साथ में ऑनलाइन ही मिल जाएगी, वह आपको प्रिंट करके रखना है, आपको वह आगे काम में आ जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की विंडो दी गई है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आप अपीयर थे या नहीं एमएसटी सीईटी के लिए 2020 के लिए, तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर एमएसटी सीईटी 2020 का यहाँ पर क्लिक करना है और जो एमएसटी सीईटी 2020 का रोल नंबर है आपको यहाँ पर एमएसटी सीईटी का रोल नंबर दर्ज करके यहाँ पे चेक सीईटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। यदि आप नो करते हैं तो आप नीट के लिए आप अपीयर थे या नहीं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यस पर। ध्यान रहे किसी भी एक इंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको बी फार्मेसी कोर्स के लिए है यहाँ पर आपको पता चलेगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स एडमिशन डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी इंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है। एमएससी सीईटी 2020 भी चलेगी, नीट भी चलेगी, बाकी जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हम इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहे हैं। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप पूरी जानकारी हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
सभी प्रकार के एडमिशंस डिटेल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैपराउंड फर्स्ट सेकंड के आपको आगे भी मिलेंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, वीडियो को शेयर करना ना भूले। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।